देश का पहला एटीएम जहां पर नोट के बदले सोना निकलेगा। ऐसा सेवा या आपने पहले सुने होंगे दुबई में था, लेकिन इंडिया में अभी शुरू हो चुका है। देश का पहला एटीएम हैदराबाद में जहां पर नोटों के बदले सोना निकलेगा। अगर आपके पास कुछ ज्यादा पैसा है और सोने की शौकीन है तो सोने के बिस्किट निकलने वाला एटीएम आपके लिए बेस्ट है। और ऐसा गोल्ड कॉइन कंपनी ने किया। उनका कहना है ऐसा 2 से 3 हजार एटीएम लगाया जाएगा पूरे देश में और एक एटीएम में लगभग 2 से 3 करोड़ का सोना रखा जाएगा। और वही सेम प्रोसेस जैसे हम लोग पैसा निकालते हैं एटीएम से, उसी तरह सोना को भी निकाल सकते हैं। बस सोना वाला एटीएम में जाइए और निकाल लीजिए सोना। और इस एटीएम में 5 ग्राम 10 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक सोने का सिक्का रखा जाएगा। लो देखो, हमारे देश में भी सोना निकालने वाला एटीएम लग चुका है। भाई ये तो हो गया अमीरों का बात, गरीबों के लिए कुछ एटीएम लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? टीम इंडिया में होगा अब नए बदलाव। इंडिया T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद एक नए कोच की तलाश में है। इस कोच की लिस्ट में MS धोनी, BVS लक्ष्मण और आशीष नेहरा शामिल है। भाई अब आपको वोट देकर बताना है कौन बनेगा इंडिया के नए कोच, यानी कि कमेंट और लाइक करके। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल द्रविड़ इंडियन कोच की पद से हटाने के बाद अब एक नए कोच की तलाश में है। इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनने का लिस्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन कौन सबसे बेस्ट है? अगर MS धोनी की बात करें तो ICCI के 3 बड़े ट्रॉफी ले आने की किताब धोनी का है। या मौजूदा खिलाड़ी में बहुत सारे खिलाड़ी के साथ खेल चुके हैं धोनी, या बहुत सारे खिलाड़ी उनके अंडर में खेले। और अगर दूसरे नंबर पे VVS लक्ष्मण की बात करें तो राहुल द्रविड़ की गैर मौजूदगी में VVS लक्ष्मण बड़ी अच्छी से कोच का काम किए हैं। और अगर आशीष नेहरा की बात करें तो ऐसे में तो T20 का कप्तान हार्दिक पांडे को सौंपने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो हार्दिक पांडे के जोड़ीदार आशीष नेहरा कोच हो सकता है, क्योंकि आशीष नेहरा राजस्थान टाइटल की कोच और हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा मिलकर राजस्थान टाइटल को खिताब दिलाया। आप किसको बनाना चाहते हैं टीम इंडिया के कोच, धोनी या और कोई? शादी में बिना इनविटेशन के, बिना गिफ्ट की, खाना खाने की मजा ही कुछ और है। लेकिन सोशल मीडिया में वायरल हुआ एक खतरनाक वीडियो जहां पर एक शख्स बिना इनविटेशन में शादी में खाना खाने जाता है और उसे दूल्हा पहचान लेते हैं। भाई ये तो कोई रिश्तेदार में नहीं है, कौन है? उसके बाद दूल्हे का दिलदारी देखिए। दूल्हा सिर्फ खाना नहीं खिलाया बल्कि दूल्हा अपने साथ बिठाकर फोटो खिंचवाया और उनका परेशानी भी पूछा। यहाँ क्या आपके शादी में हम आए हैं? और हमको पता नहीं आपका नाम क्या है, घर कहाँ है? सही। हम हॉस्टल में रहते हैं, हमको भूख लगा। हम आ गए यहाँ पे खाने, आपको कोई दिक्कत? जरा सोचिए, ऐसा अगर दूसरे जगह में होता तो खाना तो क्या घुसने नहीं देता शादी में, और भाई बेइज्जती तो गारंटी है। इस दूल्हे की तरह बहुत ही कम लोग मिलता है। आपका कहना है कॉमेंट जरूर कीजिए। क्या आप कभी बिना इनविटेशन में दूसरे के शादी में खाना खाए हैं? कॉमेंट जरूर कीजिए।